हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम दोस्तों सिकोहाबाद के एक साहापुरा गांव में दोस्तों हम आए थे। तो यहां पर दोस्तों हमने एक सोलर सिस्टम को देखा दोस्तों। यहां पर दोस्तों यहां पर जो किसान भाई हैं दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक सोलर सिस्टम दोस्तों यहां पर लगवाया है। इस सोलर सिस्टम को दोस्तों लगे हुए यहाँ पर दोस्तों 8 से 9 महीने दोस्तों हो चुके हैं यहाँ पर। और दोस्तों इस सोलर सिस्टम की हम बात करें तो दोस्तों इसको चक्की और जो हमारा तेल जो पेरने का दोस्तों जो स्पेलर होता है उसके पर्पज़ से दोस्तों यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया था। ये दोस्तों सोलर सिस्टम है वो दोस्तों 15 किलोवाट का दोस्तों सोलर सिस्टम है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप मोनो क्रिस्टलाइन दोस्तों सोलर पैनल दोस्तों लगाए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पॉली क्रिस्टलाइन भी दोस्तों सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये दोस्तों GI स्ट्रक्चर फ्रेम में दोस्तों इंस्टॉल करके दोस्तों इनको यहाँ पर फिक्स किया गया है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी दिनों से दोस्तों इन सोलर पैनल को साफ़ नहीं किया गया है, जिस वजह से दोस्तों इनके ऊपर डस्ट आ चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों ये आप देख सकते हैं थोड़े वाइट कलर में दोस्तों दिख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं इस सोलर सिस्टम की। हमने दोस्तों जब इन किसान भाई से इनसे बात की तब इन्होंने बताया कि दोस्त इस सोलर सिस्टम को लगाने के बाद दोस्तों हमें काफ़ी परेशानी का सामना दोस्तों करना पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों टोटल 33 सोलर पैनल हैं और यहाँ पर दोस्तों दोनों सोलर पैनल लगाए गए हैं दोस्तों, मोनो भी और पॉली भी। तो दोस्तों जब मैंने इस सोलर सिस्टम को देखा तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी दोस्तों इसमें गलतियाँ की गई हैं, जिस वजह से दोस्तों इनको दोस्तों परेशानी दोस्तों हो रही है। यहाँ पर दोस्तों जो इस छत पर दोस्तों लगे हैं 30 सोलर पैनल और 3 सोलर पैनल हैं दोस्तों वो दोस्तों थोड़ा दूर लगे हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 30 सोलर पैनल इंस्टॉल हैं दोस्तों, उनमें से कुछ हैं दोस्तों हमारे मोंडू और कुछ हैं पॉली। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हैं, एक बार दोस्तों मैं आपको जो हमारा ही पास यहाँ पर जो मोनो सोलर पैनल लगा है इसको एक बार दोस्तों मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, है तो दोस्तों ये मोनो ही, पर ये दोस्तों काफ़ी दिनों से साफ नहीं किया गया, इस वजह से दोस्तों इस पर डस्ट आ चुकी है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मोनो सोलर पैनल, इन्होंने दोस्तों जिनसे दोस्तों इसको लगवाया था वहाँ पर इन्होंने मोनो सोलर पैनल और पॉली सोलर पैनल दोस्तों लगाए हैं। ये मेरे हिसाब से दोस्तों गलत है, यहाँ पर चीज़ें दोनों एक साथ नहीं लगानी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 30 सोलर पैनल इधर लगाए गए हैं। आप दोस्तों आप देख सकते हैं ये लगे कहेंगे कि या ऐसे ही दोस्तों इनको रख दिया गया है। तो ये छोटी छोटी गलतियों से दोस्तों हमारा जो सोलर सिस्टम है दोस्तों वो ख़राब हो जाता है। अब दोस्तों हम आपको इस सोलर पैनल में दोस्तों इसमें बताते हैं कौन सा सोलर पैनल दोस्तों यूज किया गया है। इसमें दोस्तों एडवांस सोलर सिस्टम दोस्तों कंपनी के दोस्तों सोलर पैनल लगाए गए हैं। और दोस्तों जो सोलर पैनल है वो दोस्तों हमारा 400 वाट का है, जिसका ओपन सर्किट वोल्टेज है दोस्तों 47 वोल्ट और इसका मैक्सिमम पावर वोल्टेज है दोस्तों 41 वोल्ट। और दोस्तों ये सबसे बड़ी जो घटिया चीज़ जहाँ पर दोस्तों मुझे लगी वो है दोस्तों, ये दोस्तों सी ग्रेड का सोलर पैनल है। यानी दोस्तों अगर बी ग्रेड होता तो भी चल जाता, पर ये दोस्तों सी ग्रेड का है, मतलब सबसे घटिया, सबसे इससे घटिया सोलर पैनल होता नहीं है दोस्तों। सी ग्रेड का सबसे सोलर घटिया पैनल दोस्तों यहाँ पर लगाया गया है। और दोस्तों इनसे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इनसे पैसे ले लिए गए हैं, इस वजह से दोस्तों इनको बहुत सारी दोस्तों परेशानियां हैं वो दोस्तों सामने करनी पड़ रही हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें इन्होंने सोलर पैनल ही दोस्तों सबसे घटिया क्वालिटी के लगाए हैं। अगर दोस्तों इसमें UTL दोस्तों हो गया, लुमिनियस हो गया, इनके अलावा दोस्तों और भी कंपनियाँ हैं उनके दोस्तों सोलर पैनल लगे होते तो भी चल जाता, पर यहाँ तो दोस्तों इसमें एडवोन कंपनी के नोकल और उसके बाद दोस्तों सीग्रेड सोलर पैनल लगे हैं। तो ये सारी गलतियां दोस्तों आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 30 सोलर पैनल यहाँ लगे और 3 सोलर पैनल वहाँ लगे इतनी दूरी पर, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर गलती है। अब दोस्तों मैं आपको एक बार नीचे चल के आपको दिखाता हूँ कि नीचे दोस्तों क्या क्या दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल है। तो नीचे की तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों GI स्ट्रक्चर के साथ इसमें जो दोस्तों हमारे समर पेपलाइन आती है उनके दोस्तों पेपाओं का यूज किया गया है। इसमें दोस्तों 17 और 16 पैनल की दोस्तों सीरीज बनाकर दोस्तों इनको दोस्तों फिर पैरेलल कनेक्शन किया गया है।
तो यानी कि दोस्तों इसमें पहले दोस्तों 17 पैनल की सीरीज और दोस्तों एक 16 पैनल की सीरीज, फिर इनको दोस्तों पैरेलल कनेक्शन कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लग किया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जब मैंने देखा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक जिसमें जॉइंट लगाया गया है, ये जॉइंट दोस्तों प्रॉपर सही ढंग से नहीं लगाया गया है और इसके ऊपर ऐसे ही दोस्तों टेप लगा दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं छोटी छोटी दोस्तों बहुत सारी कमियाँ देखने को मिल रही हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेड देख के दोस्तों इसको सोलर सिस्टम को लगाया गया है, इससे दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। हेड देख के लगाने से दोस्तों नीचे की जो छत है हमारी दोस्तों उस पर हम कुछ सामान या आ जा सकते हैं आसानी से। फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जब जो नीचे की तरफ दोस्तों जो वायर यूज गया है दोस्तों वो 10 square mm का है दोस्तों। वायर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10 square mm का है दोस्तों। पर दोस्तों इस पर जो जिंक का जो पॉलिश आती है दोस्तों वो वाला वायर नहीं है, ये दोस्तों कॉपर वायर है। ठीक है, फिर भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम आपको नीचे की तरफ दोस्तों लेके चलते हैं, यहाँ से दोस्तों हम आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ से दोस्तों ये हमारे वायर वो 3 सोलर पैनल लगे थे वहाँ गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारे 33 सोलर पैनल के कनेक्शन इन भाई साहब ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर किए गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम नीचे। तो नीचे जाने के बाद दोस्तों जब हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कहीं पर दोस्तों हमारी VFD डली हुई है, कहीं पर हमारी MCB। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से हमारा चला था 10 square mm और यहाँ पर आते आते ये रह गया दोस्तों 6 square mm। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये 6 square mm और एक 10 square mm, ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वायर दोस्तों एक ही गेज का दोस्तों नीचे की तरफ आता है दोस्तों। वो कनेक्शन दोस्तों इस उन्होंने लगाया है वो ढंग से लगाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारी ये हो गई DC MCB और ये हो गई AC MCB। इसमें कोई भी MCB बॉक्स वगैरह यूज नहीं किया गया है, ऐसे ही दोस्तों MCBO को डाल दिया गया है और नीचे ही दोस्तों हमारी VFD को डाल दिया गया है। ये दोस्तों यहाँ पर हमारी 15 HP की दोस्तों INVT की दोस्तों ये VFD है। इस पर दोस्तों फ्रिक्वेंसी 50 Hz और वोल्टेज 660, 50, 55, 380 आउटपुट में दोस्तों एम्पियर 13-12 दोस्तों हमारी जो लोड है इस समय दोस्तों वो चल रहा है, यानी दोस्तों हमारी जो अभी चक्की है दोस्तों वो चल रही है। इस पर 10 HP की दोस्तों जो मोटर है दोस्तों इसमें लगाया गया है 10 HP की मोटर को और हमारी जो चक्की है दोस्तों अभी भी रनिंग कंडीशन में है। यहाँ पर दोस्तों इसमें देख सकते हैं बहुत सारी इसमें गलतियाँ दोस्तों मैंने आपको बताई यहाँ पर की गई हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तेल जो का जो स्पेलर होता है दोस्तों 9 वोल्ट का दोस्तों ये स्पेलर है, इसको चलाने के लिए दोस्तों इन किसान भाई ने फिर तो परेशान होगा दोस्तों यहाँ पर इंजन लगाया है, वही यहाँ पर हमारी 10 HP की मोटर लगी है और इस तेल स्पेलर को चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर इंजन दोस्तों लगाया गया है जिससे दोस्तों इसको चलाया जाता है। क्योंकि दोस्तों इस सोलर पैनल से दोस्तों हमारा जो स्पेलर है वो चल नहीं पा रहा था, इस वजह से इन्होंने इंजन को दोस्तों यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ दोस्तों हमको मिली। तो इन गलतियों को दोस्तों आपको ध्यान में रखकर दोस्तों ये ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। और दोस्तों जिस किसी से भी दोस्तों ये सोलर सिस्टम आपको लगाना है उनसे पहले आपको दोस्तों उन्होंने कहीं सोलर सिस्टम लगाए हैं उनसे पहले जाकर सिस्टम को और किसान से दोस्तों बात कर फिर उसके बाद दोस्तों हमें बात करनी है इनसे। दोस्तों 5.5 लाख रुपये का दोस्तों कैश लेकर इन्होंने दोस्तों इनके साथ ये अच्छा नहीं किया है और अब ये बात करते हैं उनसे तो ये बात भी नहीं हो पाती है। पहले यहाँ पर दोस्तों 7.5 HP की दोस्तों मोटर लगी हुई थी, ये मोस्टर दोस्तों यहाँ पर ही कहीं पड़ी है, ये दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ ये यहाँ पर रखी हुई है, फिर उन्होंने 10 HP की मोटर लगाई तब कहीं जाके जिससे दोस्तों चक्की चल पाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इनसे 5.5 लाख रुपये ले लिए। ये दोस्तों ओनली 13.2 kW का सोलर सिस्टम है और इनसे बोल दिया गया है दोस्तों ये 15 kW का सोलर सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पर बोरियाँ वगैरह भी काफ़ी रखी हुई हैं, तो ये दोस्तों 5-6 घंटे ही दोस्तों चल पाती है क्योंकि सीग्रेड का सोलर पैनल है। तो दोस्तों ऐसे सोलर सिस्टम से आप लोगों से बचें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।